श्री श्याम के दर पे बिगड़ी हुई तकदीर बनती है, और श्री श्याम बालाजी ट्रेडिंग पे पपड़ी आई हुई दीवारों की तकदीर बनती है। देखिए, क्या मैं एक कव्य के रूप में आपको बता रहा हूँ कि दीवारों पे पपड़ी आई हुई, सीलन आई हुई, उसकी तकदीर बनती है श्री श्याम बालाजी ट्रेडिंग पर। मलिक हॉस्पिटल वाली लेन के अंदर एक न्यूली इनोग्रेटेड पीवीसी का शोरूम है। पीवीसी का मतलब मैं आपको बता दूं कि सीलन व पपड़ी से छुटकारा पाएं, और एक ऐसी लुक जो आपको लगेगी कि एक ये ऑफिस है इनका, ऑफिस में ऑस्ट्रेलियन वुड की लुक यहाँ नज़र आ रही है, बिल्कुल साफ नज़र आ रही होगी। और ये ऑस्ट्रेलियन वुड बहुत कॉस्टली और महंगी और एक्सपेंसिव होती है, और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये ऑस्ट्रेलियन लकड़ी की नहीं है, और ये पीवीसी का ही कमाल है। पीवीसी का एक एक्सक्लूसिव शोरूम है यहाँ, हम अभी खुला है, कल ही परसों ही इसका इनॉग्रेशन हुआ, शुभारंभ हुआ है। और कपिल अरोड़ा जी एक जाना माना नाम है इसमें, वर्षों से इसमें सीजनड हो गए हैं आप काम करते करते, और लोगों के घरों की आपने इंटीरियर तो करवाया ही है और एक्सटीरियर भी आपने करवाया है पीवीसी का, कम खर्चे में। और आपका घर सुंदर कैसे लगे अगर जानना चाहते हैं तो, अगर बनवाना चाहते हैं तो आपको इनके पास आना ही होगा। सोनी जी मेरे साथ हैं, उनके मित्र हैं। सोनी जी, मैं आपसे जानूंगा, लेकिन यहाँ इन्होंने शिफ्ट किया है अपने आप को, यहाँ एस्टेब्लिश होंगे, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक लुक आया है जी इसका। अच्छा। और मैंने साल भर पहले ही सिसाई गांव में अपनी शॉप है वहाँ पे तैयार करवाया था। अच्छा। उससे भी प्लस ये काम किया इन्होंने, आने वाले समय में और तरक्की की और जा रहे हैं। बहुत बढ़िया लुक, और गांव में मैंने एक दो और कस्टमर इनको दिए थे, वहाँ पे भी काम करवाया है। सर, कहते हैं कि वुड का अगर लुक देना, वुड से बनाना हो, ऑस्ट्रेलियन लकड़ी से बनाना हो, वो इतना एक्सपेंसिव आता है। सारा मकान बना लो और जब उसका वुड वर्क करवाते हो, इंटीरियर करवाते हो, एक्सटीरियर करवाते हो ना, सारा खर्चा उसी में लग जाता है, मकान से ज़्यादा। बिल्कुल लग जाता है, इतनी कमाई नहीं होती, उतना खर्चा लग जाता है मकान पे। और इसका जो लुक आता है बहुत अच्छा लुक आता है, वुडन लुक। अच्छा, इसकी ड्यूरेबिलिटी आप बता पाएंगे? फिर मैं जानूंगा कपिल अरोड़ा जी से। हाँ जी, इसकी कितने दिन चलता है ये? कहते हैं कि ये उतर तो नहीं जाता है या ये टूट तो नहीं जाता है ये? नहीं नहीं जी, मैंने लगवाया बिल्कुल, चाहे आप टाइल की तरह बिल्कुल थोड़ा मार लो, टूटेगा नहीं। अच्छा। हाँ जी, मैंने खुद करवाया ये काम। टाइल का फैशन है, टाइल पे भी सीलन आ जाती है? हाँ, आ जाती है, टूट भी जाती है। तो उसका सब्स्टिट्यूट ये बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया जी, वुड का और टाइल का, वुड टाइल से बहुत अच्छा लुक आ रहा है। पूरा नाम मैं आपसे जानूंगा आपका? मेरा नाम है जी दिनेश कुमार। दिनेश कुमार, सोनी जी आपने सब चीज़ बड़े तरतीब से बताई है। ये टाइल्स का और वुड का सब्स्टिट्यूट है, एक बदला हुआ रूप है। अरोड़ा जी आइए एक बार मेरे साथ खोलिए, आप चेयर पर बैठे हैं। अरोड़ा जी, आपने इस लाइन के अंदर पायनियर हैं, पायनियर बोलते हैं कि बहुत अग्रणीय हैं आप पहले भी, और अब आपने ये मलिक हॉस्पिटल रोड के ऊपर ये एक बना लिया है अपना, तो क्या सोच के बनाया? सबसे पहले तो सभी हांसी वासियों को जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। देखिए, अगर आपके मकान में सीलन है, कपड़ी बनती है, और आप रंग रोगन करवा कर परेशान हो गए हैं, तो आपको पीवीसी शीट्स लगवानी चाहिए। पीवीसी शीट्स भी आजकल कई तरह की लोग लगा रहे हैं। एक ऐसी शीट्स लगाते हैं जो अंगूठे से ही दब जाती है, और एक ऐसी शीट्स लगाते हैं जो हथौड़ी मारो तो भी नहीं टूटती। हमारे भैया ने आपको बताया, मैंने ऐसी शीट्स लगवाई है। तो हर तरह की क्वालिटी है, जिसने सस्ता काम करवाना है सस्ता भी है, जिसने अच्छा काम करवाना है अच्छा भी है। पीवीसी शीट्स हम लगाते हैं इंटीरियर पर्पज़ के लिए, और पीवीसी फॉल सीलिंग भी आप देख लीजिए, पीवीसी की फॉल सीलिंग हुई हुई है, ये सारी पीवीसी की हुई हुई है। एसीपी भी लगाते हैं? एसीपी जो घर के बाहर लगती है वो भी एसीपी शीट्स भी लगाते हैं। वो हम तीन तरह के ब्रांड यूज़ करते हैं उसके अंदर। सबसे पहला ब्रांड है हमारा क्रॉस बॉन्ड के नाम से, दूसरा नाम है वंडर। वंडर को एक बहुत प्रतिष्ठित ब्रांड है, उसको किसी नाम की ज़रूरत नहीं है। एक है एलुडेको, ये तीन ब्रांड है एसीपी के अंदर। उसके बाद आजकल पीवीसी शीट्स को लोग थोड़ा सा अवॉइड करने लगे हैं, तो इसके लिए हमने एक और नई चीज़ लॉन्च कर दी, लूवर्स, जो या पीवीसी लूवर्स, डब्ल्यूपीसी लूवर्स बोलते हैं इसको, जो आप पीछे मेरी वॉल पर देख रहे हैं, दैट इज़ पीवीसी लूवर्स। जिसने जो
हांसी के अंदर कहीं भी उपलब्ध नहीं है लूवर्स, चारकोल लूवर्स और WPC लूवर्स हांसी में कहीं भी नहीं मिलते, लोग हिसार जाके करवाते थे। तो हांसी के अंदर किसी को भी चारकोल लूवर्स WPC लूवर्स लगवाने हैं। लूवर्स और PVC शीट में क्या फर्क है? लूवर्स और शीट में PVC में क्या फर्क होता है? PVC शीट्स तो नॉर्मल प्लेन होती हैं। लूवर्स के अंदर जैसे आप देख लीजिए प्रोफाइल स्लाइड्स लग सकती हैं, प्रोफाइल, अच्छा। PVC के अंदर आप कोई प्रोफाइल लाइट्स नहीं लगा सकते, वो तो सिर्फ जैसे आपके मकान में सीलन आ गई, पपड़ी आ गई और आपने अपना नया मकान बनाया है, आप प्लस्तर करवा के, आप पुट्टी करवाने की भी आपको जरूरत नहीं है, सीधा प्लस्तर के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन वुड सा लग रहा है मुझे। वी हैव लॉट ऑफ डिजाइन, दिस इज ऑस्ट्रेलियन लुक आप कह रहे हो, मतलब हमारे पास बहुत सारे डिजाइन हैं, मतलब ग्रे वाइट लूवर्स के अंदर, WPC लूवर्स के अंदर है। आपके मॉडुलर किचन का भी हम काम करते हैं, आइए मैं आपको किचन का आइए मॉडल। अक्सर ब्रांड के चक्कर में पड़ जाते हैं, जैसे हिटाची का होता है या अन्य ब्रांडेड किचन होते हैं, उसमें बहुत पैसा लगता है। देखिए मैं किसी ब्रांड के बारे में तो नहीं बोलूँगा, सबका अपना अपना काम है। हमारा जो ब्रांड है, हम ये PVC का बोर्ड यूज़ करते हैं, हमारे ब्रांड का नाम है डेकोर प्लास्ट। डेकोर प्लास्ट जी, हमारा जो ब्रांड है डेकोर प्लास्ट के नाम से है PVC का, जिसके हम किचन और अलमीरा बनाते हैं। ये आप देख रहे होंगे सारी किचन अलमीरा बनी हुई है, ये सारी PVC बोर्ड की बनी हुई है। इसके अंदर ना तो दीमक लगती है ना ही आग लगती है। सर पहले एक बड़ा आता है PVC की सीट लगते ही किचन के अंदर, आदमी के जहन में बात आती है कि कई बार फ्लेम पकड़ जाती है उसकी, नहीं आग लग जाए, बिल्कुल फायर प्रूफ है। आप इसको सैंपल को घर ले जाके ट्राई करें, गैस चूल्हे पे रखें, जलाएं, अगर ये 2 घंटे तक गैस पे रखें, इसको जल जाए तो हमारे पर विश्वास ना करिएगा, और अगर नहीं जले तो हमारे को एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए। फ्लोर सीट भी है आपके? फ्लोरिंग का भी फ्लोरिंग है, का भी है क्या? फ्लोरिंग का भी कंसेप्ट है, लेकिन फ्लोरिंग का कंसेप्ट है जो वो थोड़ा सा कॉस्टली है, कईयों को सूट में नहीं आता। नहीं, कॉस्टली की भी ये अच्छा काम, टाइल से भी कॉस्टली पड़ता है, टाइल से भी कॉस्टली पड़ता है ये फ्लोरिंग के अंदर। एक आजकल मैंने सुनने में आया कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स ये है कि टाइल में क्रैक्स तो आ ही जाते हैं, उसके बाद टाइल में फिसलन ज्यादा होती है, कई लोग स्कीड हो जाते हैं, फिसल के गिर जाते हैं, किसी के कुल्ले की हड्डी टूट जाते हैं, फिर वो कादियान के पास जाके इलाज करवाते हैं। तो इसके अंदर वो चीजें नहीं है। तो कादियान साहब की मजदूरी क्यों रोकते हो आप? मैं कादियान साहब की मजबूरी नहीं रोक रहा, मैं तो अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ जी। हम PVC टाइल्स के बारे में आपने डॉक्टर साहब आप बुरा मत मानिएगा, आपके पास तो पेशेंट और भी आ जाएंगे, लेकिन हम फिसल के और कुल्ले की हड्डी तोड़वाने वाले पेशेंट आपके पास नहीं भेजेंगे। फिलहाल में हमारे फैमिली में किसी को टाइल के ऊपर गिरने से कोई मतलब मिस हैपनिंग हो गई थी, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर खुरदरापन है, फिसलने वाली कोई टेंशन नहीं है किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट आप देखिए, आपको कॉस्ट मैटर करती है या नहीं करती, टाइल्स के कॉस्ट ज़्यादा ही डिफरेंस आता है टाइल्स के अंदर, टाइल्स और PVC टाइल्स के अंदर ज़्यादा डबल का डिफरेंस मान लो आप, हाँ जी डबल का आता है। बाकी आपको इसमें PVC में PVC फॉल्स सर ये बार बार यानी कि दिवाली के दिन सफाई करते हैं, पेंट करवाना, वो झंझट से झंझट खत्म। आपका जब तक भूकंप नहीं आता, बिल्डिंग नहीं गिरती, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है, अदरवाइज की जिंदगी भर की गारंटी है। भाई जिंदगी भर की गारंटी कौन देता है? सब अर्थक्वेक भी आते हैं, ऐसे नेचुरल क्लैमिटी हो जाती है। देखिए जिंदगी भर की गारंटी इसलिए दे रहे हैं आपको, मैं आप शीट की क्वालिटी दिखाता हूँ, ये देखिए। अब आप ये देखिए, एक क्वालिटी तो ये है सर, और एक क्वालिटी ये है, लाइफ टाइम गारंटी आप देते हैं दोस्तों, लाइफ टाइम गारंटी मिलती है यहाँ पर, ध्यान रखें। ये कपिल अरोड़ा जी बता रहे हैं, और ये हमारे सोनी साहब ने लगवा रखी है, इसको दबाओ आप। सोनी साहब आपने यही लगवा रखी है? ये लाइट कलर में है सर। पहले क्या होता था मैं बताता हूँ आपको, पहले हर साल पेंट कराना पड़ता था, जी पपड़ी आ जाती थी, जाले आ जाते थे, अब की बार बिल्कुल ऐसी से की ऐसी एज इट इज पड़ी है, एज इट इज बिल्कुल। एक साल में ये लगते हैं जैसे आज ही करा, एक साल हो गया है मेरे को, इस पिछले साल इन्हीं दिनों करवाया था मैंने। आप इनको मुबारकबाद तो दे दे। हाँ सर, मैं मुबारकबाद देने के लिए आया हूं, भैया की दुकान है हमारी थोड़ी है। अरोड़ा जी जो मलिक हॉस्पिटल वाली लेन में आ गए हैं, SGM का इधर ही साथ में ही इनके सामने अपोजिट रेजिडेंस भी है, और PVC का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम करते हैं, आप आइएगा, दिल खोल के आइएगा, और अपने घर की सजावट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, और इवन फ्लोरिंग और किचन का मॉडलर, अलमीराज, सब कुछ बने, टी सीलिंग बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे, आप जिसको वुड का लुक दे दें, जैसे कि सागवान की लकड़ी सीधी श्रीनगर से मंगवाई हो और ऑस्ट्रेलिया से लकड़ी इंपोर्ट करवा के मंगवाई हो, ऐसी लुक मिल जाए तो आपको क्या हर्ज है कपिल जी से मिलने के लिए। कपिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शहरवासियों को एक तोहफा दे दिया है, और मैं जानूंगा कि भी शहरवासी और जिन्होंने अपने नई नई कोठी का कंस्ट्रक्शन करवाया है यहाँ दर्शन जरूर देंगे आपको।
थैंक यू, देखते रहिए हंसी की आवाज़।